अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। ट्यूसडे आज मेरा ऑफ है और अभी हम सोच रहे हैं कि जाएं यहाँ से कियाम। ऑलमोस्ट 2 घंटे ड्राइव है, तो वही सोच रहे हैं आज एंजॉय करेंगे कियामा में। और ये रही मेरी गाड़ी, यहाँ पे खड़ी है सामने। मौसम काफ़ी खूबसूरत है, वेदर क्लियर स्काई है, तो मज़ा आने वाला है। वैसे ईद तो गुजर गई, आज ईद का 4th दिन है, 4th दिन है, बट मैं तो काम कर रहा था, ईद के दिन पर भी काम किया, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा आज मेरा ऑफ होता है, आज यूनिवर्सिटी का भी ऑफ है, पब्लिक हॉलीडे है, क्योंकि एनजेट है, एनजेट आप सर्च कीजिएगा, पता चल जाएगा क्या चीज़ होती है। तो अभी हम सोच रहे हैं क्यारा घूमने जाएं, क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा है ईद पे नहीं घूमाऊँ, तो आज घूमूंगा इंशाल्लाह, मज़ा आने वाला है। अभी जस्ट अराउंड 12 बज रहे हैं एंड मौसम काफ़ी मज़े का हो चुका है। इससे पहले क्लाउडी था बहुत ज़्यादा, अभी काफ़ी मज़े का हो चुका है, जैसे आप लोग देख सकते हैं क्लियर स्काई और यहाँ घर बड़े खूबसूरत। अभी मैं हूँ राइड में, यहाँ से अपनी फ्रेंड को पिक कर रहा हूँ और घर यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है। ये घर तो मेरे सामने आंखों के सामने बना हुआ है, ये घर पर ऑलमोस्ट 6 महीनों के अंदर बन चुका था। यहाँ पे इतना वो हैवी स्टील और ये चीज़ें यूज़ नहीं करते घरों में, यहाँ पे पता नहीं फ्लाई कोई कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं कुछ, जितना मतलब इतना एक्सटेंसिव हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करता है, बहुत लाइटली चीज़ें डाल लेते हैं, बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है, वॉल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मतलब साउंड गो थ्रू होती है, यहाँ से वहाँ आपकी आवाज़ आती जाती है, एक रूम से दूसरे रूम की आवाज़ आती जाती रहती है। इस डेस्टिनेशन का हमने इंतखाब किया हुआ है वो है कियामा, यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है, 100 किलोमीटर्स है, जो कि बहुत खूबसूरत ड्राइव है। तो निकलते हैं, बस लेट हो रहा है। हम वैसे जा रहे थे, रास्ते में हमें ये कैफ़े मिला है, एल्टीट्यूड कैफ़े, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। हम यहाँ पर रुके हैं और नीचे यहाँ से काफ़ी मज़े की व्यू आ रही है, तो हमने सोचा थोड़ा सा आगे वॉक कर लेते हैं, वहाँ से अगर व्यू नज़र आती है तो, अदरवाइज़ हम यहाँ से कुछ कर लें। यहाँ पे अगर रास्ता है नहीं, बट हम देखते हैं फिर, अदर हम यहाँ पे लंच कर लेंगे, क्योंकि हमने लंच किया हुआ नहीं है सुबह से। तुमने कुछ कहा है? नो। हाँ, तो हमने लंच नहीं किया हुआ, तो यहाँ से कुछ खा लेंगे फिर। नीचे जो आपको व्यू नज़र आ रही है ना समंदर की, ये जो आपको छोटा सा शहर नज़र आ रहा है, ये वुलोंगोंग है, जो 2-3 हफ्ते पहले मैं गया था यहाँ पे, एक वुलोंगोंग बीच पे मैं गया था। ये यहाँ ऊपर से हमें ये सारी व्यू नज़र आ रही है। अभी हम यहाँ पार्किंग में खड़े हैं फिलहाल, यहाँ पे कोई फोटो सेशन हो रहा है, मैं थोड़ा व्लॉग बना रहा हूँ, तो ये व्यू के सामने हम नाश्ता करेंगे होपफुली आज यहाँ पे। मुझे ये ना ये मोटर होम बुक करवाना था अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज़ करने के लिए, बट मसला ये था कि ये 4 दिन तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं, जो मतलब इससे कम दिनों के लिए आप बुक नहीं कर सकते, और एक दिन के लिए होता है अराउंड $150। तो मैंने सोचा फिर 4 दिन के लिए कहाँ जाऊँगा मैं, इसको कहाँ पे रखूँगा, तो इसको मैंने बुक नहीं करवाया। फिर मैंने सोचा अगर कोई लंबी ट्रिप होगी, कुछ लंबा प्लान करेंगे, तो फिर इसको बुक कराऊँगा। इसमें अंदर बेड होता है, सब कुछ होती है, वॉशरूम सब कुछ होता है, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ चीज़ें अवेलेबल होती है। और अब हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, ये एल्टीट्यूड कैफ़े है, यहाँ पर आई थिंक सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, फूड वगैरह सब कुछ। ये जो लोग खड़े हैं यहाँ से, आई थिंक व्यू बड़ी मज़े की होने वाली है, तो आप लोग व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। भाई साहब व्यू चेक करें, ये नीचे सारा है वुलोंगोंग, और हम लास्ट टाइम उस बीच पे गए थे। ओके, हम लास्ट टाइम उस बीच पे गए थे, ये वाला जो बीच है, ये वाला जो बीच है हम लास्ट टाइम इस पे गए थे। भाई बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मज़े की व्यू है, ये सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ से, काफ़ी खूबसूरत व्यू है, और ये बड़े बड़े शिप्स जा रहे हैं। व्यू यहाँ से चेक करें, ये शाबाश, ये सारा वुलोंगोंग नज़र आ रहा है, ये क्रिकेट ग्राउंड है, लास्ट टाइम हम यहाँ पे भी गए थे, और ये वुलोंगोंग बीच है जो लास्ट टाइम हमने कवर किया हुआ था। तो यहाँ पे ये सारे लगे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, ये सारी व्यू बहुत मज़े की है, इस एंगल से तो मैंने ये व्यू इन्जॉय कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि उस एंगल से इन्जॉय करूँ जो यहाँ पर लोग खड़े हैं, उस एंगल से मैं यहाँ से देखा था, वहाँ पर बीच में वो ट्रीज आ रहे थे, तो यहाँ से परफेक्ट सारा नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है यहाँ से क्लियर। भाई साहब रात को बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे, और ये सिटी वहाँ तक है, वहाँ यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, ये चेक करें, काफ़ी खूबसूरत है, और ये सारे रेस्टोरेंट है यहाँ पे, अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे, तो यहाँ से कुछ खाते हैं, मेन्यू हमारे हाथ में, और ये भी ऊपर भी मेन्यू लगी हैं, तो यहाँ से कुछ खाते हैं। अंदर भी बैठने की जगह है, बाहर भी बैठ सकते हैं, लेकिन भाई साहब व्यू बेस्ट। हमने ऑर्डर प्लेस किए हुए, और ये यहाँ का इंटीरियर है, और एक मज़े की बात, ये भी इंडियन स्टोर है, इंडियन रेस्टोरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में आए थे हम, सोचा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे एंजॉय करेंगे, हर जगह पे इंडिया 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 चल रहा है, हमारे साथ धोखा हुआ है, कंसल्टेंट ने हमें इंडिया की टिकट दी है ऑस्ट्रेलिया के बहाने पे मुझे तो अब शक पड़ गया है।
ये हमारे पास चॉकलेट मिल्क शेक है ना, और ये मेरा वाला है कैरमल मिल्क शेक। हमने बर्गर ऑर्डर कर दिए थे, एक ये बर्गर एक मेरा बर्गर, और मेरा बर्गर ऐसे कुछ ऐसे अंदाज से है मेरे सामने। वो बंदा बड़ा वो जो वेटर था बड़ा अजीब हो गया कि यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कोई बात नहीं फ्लाइंग करके आए फ्लाइंग, मुझे चिप्स का बड़ा खाने का शौक था बट मेरा बर्गर फ्लाइंग करते हुए है, चिप्स सारे निकल गए उससे। ये रेस्टोरेंट था जहाँ से हमने अभी कुछ चीज़ें खाई हैं बर्गर वगैरह, और इस व्यू को टाटा बाय बाय करते हैं, बाय सी यू फिर नेक्स्ट टाइम। अगर हम यहाँ से गुजर रहे हैं कोई नई सी जगह है, इतनी खूबसूरत है ना, इतनी खूबसूरत है, इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे घर हैं, आप लोग मैं कैसे समझाऊं यार। हम एक जगह पे आए हैं, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, बट ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये चेक करें आप, सूरज सारा ग्रीनरी है, सारा ग्रीन है, लोग कुत्तों के साथ खेल रहे हैं, फैमिलीज आई हुई है, सारे क्रेजी है, बट ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब नेक्स्ट लेवल खूबसूरत है। आप चेक करें, वेव्स चेक करें, वेव्स बहुत तगड़े आ रहे हैं माशाल्लाह। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्लेस? गाड़ी यहाँ पर की, ये मेरी गाड़ी है, और हम वहाँ से आ चुके हैं यहाँ तक, ये वेव से करीब आ चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। आई थिंक सारे डॉग्स पार्क है क्योंकि सारे लोग के पास डॉग्स ही हैं। हम जिस दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं वो उसके लिए रास्ता थोड़ा सा ख़राब है 1 किलोमीटर, क्योंकि उसके आगे कोई रास्ता है नहीं, वो यहाँ का लास्ट एंड पॉइंट है, तो रास्ता ख़राब है उसके लिए थोड़ा सा 1 किलोमीटर, लेकिन रास्ता खूबसूरत है। जंगल के बीच हम जा रहे हैं, देख लें आप लोग जो इस बीच जंगल में रुके हुए हैं, ये सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, हम एक चीज़ ढूंढ रहे हैं, और चीज़ यहाँ पे है उसे कहते हैं रॉक पूल। एक छोटा सा पूल है इस पहाड़ के बीच में, छोटा सा पूल है, तो हम और बाकी सारा समंदर है, तो हम उसके पीछे लगे हैं, क्या वो हमें कहाँ मिलेगा। आई थिंक ये रास्ता उसकी तरफ जाता है, लेकिन आप देखते हैं क्योंकि ये सारे लोग नहा के आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो है पॉसिबल है यहाँ पर, तो अभी हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जगह 8 बजे बंद हो जाती है, लेकिन जगह बहुत जंगल के बीच है, और आगे इस यहाँ से निकल के किनारा है, बीच है, तो वही हिसाब किताब लगा रहा है कि क्या करें। तो अगर मिल गया तो बहुत मज़े का होगा फिर। आई होप कि ये हम जहाँ पे जहाँ से जा रहे हैं ये रास्ता ठीक हो, क्योंकि मैप दिखा रहा है ये रास्ता कि यहाँ से पैदल जाएँ और आगे 160 मीटर का रास्ता है, तो होपफुली ये जगह ठीक हो, क्योंकि अगर ये जगह ठीक नहीं तो फिर सारा मसला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी अंधेरा होने वाला है। होपफुली ये जगह ठीक हो, क्योंकि अभी तक हम कैमरा नहीं पहुँचे, कैमरा यहाँ से ऑलमोस्ट 20 मिनट्स अवे हैं, तो ये वाला रास्ता है मेरे ख्याल से, क्योंकि बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, बोर्ड ये बता रहा है कि यार ये यहाँ यहाँ के इलाके हैं, तो आई थिंक यही वाला है। यहाँ ऊपर क्या लिखा है, फॉर द एरोज, ये भी आई थिंक ये वाला रास्ता, हाँ ये वाला ट्राई करते हैं राइट की तरफ, हमेशा ऑलवेज गुड टू द राइट, नाउ टू द लेफ्ट।